हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल किड्स फ्लिक्स टुडे वी लर्न द चैप्टर 15 ऑफ अर्थ नेचुरल फ्रेंड बुक फॉर क्लास टू द चैप्टर्स नेम इज डे एंड टाइम आज हम अर्थ नेचुरल फ्रेंड बुक का चैप्टर 15 सीखेंगे और चैप्टर का नाम है डे एंड टाइम लेट्स स्टार्ट द अर्थ मूव्स इन टू वेज अर्थ जो है वो दो तरीके से मूव करती है इट टर्न्स राउंड एंड राउंड लाइक अ टॉप इट इज कॉल्ड रोटेशन जब ये गोल गोल घूमती है टॉप की, की तरह यानी लट्टू की तरह तो हम इसको रोटेशन कहकर बुलाते हैं इट ऑल्सो अराउंड द सन इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन और जब ये सन के चारों ओर मूव करती है चक्कर लगाती है तो हम इसको कहते हैं रेवोल्यूशन द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू टर्न अराउंड जब अर्थ जो है वो राउंड एंड राउंड घूमती है एक बार तो उसको हम जब वो एक बार पूरा घूम लेती है तो हम उसको कहते हैं कि एक दिन कंप्लीट हो गया है द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मूव अराउंड द सन इज वन ईयर और एक हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना टाइम लेती है जब वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है सन का चक्कर करके पूरा उसके आसपास घूमकर तो हम उसे कहते हैं कि वन ईयर कंप्लीट हो गया है टाइम टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइम नेवर स्टॉप्स टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है टाइम वंस गॉन नेवर कम्स बैक टाइम जब एक बार चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता देअर फोर वी शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम इसीलिए हमें अच्छे से टाइम का यूज करना चाहिए द सन हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द टाइम सन की मदद से हम समय का पता लगा सकते हैं कि अब इस समय कौन सा टाइम हो रहा है द डे बिगिंस एट सनराइज दिन की शुरुआत कब होती है जब सूरज उगता है दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड मॉर्निंग इस टाइम को हम दिन का कौन सा टाइम कहते हैं मॉर्निंग टाइम कहते हैं एटनून द सन शाइंस ओवरहेड और दोपहर के वक्त सन जो है वो हमारे बिल्कुल सर पर चमकता है दिस इज द टाइम फॉर लंच ब्रेक और ये कौन सा टाइम होता है हमारे लंच करने का टाइम होता है स्कूल और हम अपने जब सन धीरे धीरे छिपने लगता है तो हम कहते हैं ये इवनिंग टाइम हो रहा है इट इज द टाइम टू डू आर होम वर्क एंड प्ले और ये टाइम कौन सा होता है हमारे होमवर्क करने का और हमारे खेलने का वेन द सन इज कॉल्ड नाइट जब सन पूरी तरह से छिप जाता है तो हम इस टाइम को नाइट कहते हैं यानी रात कहते हैं द स्काई टर्स डार्क और स्काई में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स इन द sky। और हम आकाश में क्या देख सकते हैं उस समय चांद और तारे देख सकते हैं

क्लॉक टेल्स अस द टाइम इन आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड और एक क्लाक जो है वो हमें टाइम बताती है आर्स मिनट्स और सेकेंड में लेटस्ट स्टडी द टेबल गिवन लू अब हम इस टेबल को रीड करके देखेंगे कि एक दिन में कितने दिन होते हैं एक दिन में कितने आवर्स होते हैं एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं तो हमें सारी जो डिटेल है वो मिल जाएगी वन डे इजल टू ट्वेंटी फोर आवर्स एक दिन में कितने आवर्स होते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं

और ट्वेल्व मंथ्स मिलकर एक ईयर बनाते हैं थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव एंड हाफ डेज मेक अ वन ईयर और इतने थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव डेज और हाफ ईयर हाफ डे मिलकर क्या बनाता है हमारा एक ईयर बनाता है थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स डेज मेक अ वन लीप ईयर और थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स डेज का एक लीअप एक लीप ईयर जो है वो कम्प्लीट हो जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम समय की जो इम्पॉर्टेंट्स है वो क्यों है टाइम इज़ वेरी टाइम इज़ प्रीशियस टाइम बहुत कीमती है वी शुड नॉट वेस्ट इट और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए वी मस्ट बी पंचुअल एंड डू थिंग्स ऑन टाइम हमें बिल्कुल पंचुअल होना चाहिए और सारी चीज़ों को टाइम पर फिनिश करना चाहिए द फुल फॉर्म ऑफ जी एम टी इज़ ग्रीन विच मीन टाइम एंड इंडिया जी एम टी इज प्लस फाइव पॉइंट थर्टी फुल फॉर्म जो है वो GMT की क्या होती है मीन टाइम और हमारा इंडिया का जो जीएमटी टाइम है वो हमेशा साढ़े पांच घंटे जो है वो आगे चलता है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल